वैकुंठ को पहुंच नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ के पहरेदार हैं। पहले हमारी बात सुनो, अगर हमारी आज्ञा होगी तभी आप वैकुंठ में प्रवेश कर पाओगे। लेकिन माताओं याद रखना, संत की निंदा का फल का और जले नर अनाथ कर देखा। महात्मा का अपमान करने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकते। जब ये कहा, श्राप दे दिया, तीन जन्म तक की भूमि पर और रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजियो आए संतन को अपमान। चारों निर्मल यतियों ने श्राप दे दिया, हे जय विजय, तुमने हमारा अपमान किया है, जाओ एक जन्म नहीं तीन जन्म निशरतन पाओ और प्रभु के हाथों मारे जाओ। तीन जन्म तक आपको राक्षस बनना पड़ेगा। आज महात्माओं के श्राप से ये वैकुंठ से गिरने लगे, यही जय और विजय। देखिए महात्मा कश्यप का भी श्राप पूरा होना था, यही जय विजय मैया दिति के उदर में प्रवेश करते हैं और आकर के जन्म लिया है हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप, इनका नाम पड़ा है बोल गोविंद भगवान की। यही जय और विजय हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने हैं। अब देखिए राक्षस जब बने हैं तो राक्षस प्रवृत्ति होगी इनकी, राक्षसों जैसे कार्य करने लगे, साधु संत महात्माओं को सताने लगे, इनका कार्य भी बिल्कुल अलग है। एक बार ब्रह्मा जी ने क्या किया है कि पृथ्वी की रचना करने के लिए एक नक्शा बनाया, क्योंकि विचार किया मेरी होने वाली प्रजा कहाँ निवास करेगी, तो उस प्रजा के लिए पृथ्वी का निर्माण करने के लिए एक नक्शा तैयार किया कि यहां मुझे पर्वत बनाने हैं, यहां नदियां बनानी हैं। जैसे हम और आप जब मकान बनाते हैं ना तो नक्शा सबसे पहले बनाते हैं, विचार करते हैं इधर रसोई बनानी है, उधर बरामदा, इधर कमरा। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने एक नक्शे को बनवाया, जब बनाया है तो वो दिति का बेटा जाको नाम है हिरणाक्ष, उस नक्शा को ये चुरा ले गया, क्योंकि राक्षस है, राक्षस जैसे काम करेगा। जब चुरा ले गया तो भगवान ब्रह्मा बड़ा परेशान होने लगे, कहने लगे अब क्या करें, कहाँ चला गया ये, कहाँ ढूंढो। तो विष्णु का आह्वान किया, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी होने वाली प्रजा कहाँ निवास करेगी। तो आज विष्णु भगवान ने शूकर का रूप बनाया चाचा जी, और शूकर का रूप बना करके आज जल के अंदर कूद पड़े हैं। तो जल के अंदर ये दैत्यराज हिरणाक्ष मिल जाता है। भगवान विष्णु ने इससे युद्ध किया है और युद्ध में इसे मार डाला और दाढ़ों पर रख करके पृथ्वी को लाई है, जल के ऊपर स्थापित किया। जल के ऊपर रखने से इसका दूसरा नाम पड़ा है धरा। बोलिए पृथ्वी मैया की। और ये इसी बीच में हमें सम्मानित किया है 101 रुपए सुभाषन भरतिया चौरा गुड्डू के मौसा जी हैं, 201 रुपए और ये दो टीन भागवत के लिए दे रहे हैं राम विलास यादव परीक्षित महाराज श्रीमती त्रिवेणी देवी ग्राम सेखूपुरा मैनपुरी से, ये दो टीन भागवत के लिए और 201 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। और ये 101 रुपए प्रहलाद सिंह यादव नगला जलाल से, और ये 201 रुपए से सम्मानित करते हैं